हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके के लिए। राजस्थान के अजमेर बोर्ड द्वारा चलाई जा रही जो क्लास 10 के लिए, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, के हमने कुछ अध्याय पहले पढ़े और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, जो कि है राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियों के बारे में जानते हैं। पहले राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृ। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835 यानी कि 913 ईस्वी में अधोतन सूरी द्वारा लिखित कुम्मलिया माला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया था, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने 1922 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जो इस प्रदेश की प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ोती आदि सब इसकी विभिन्न बोलियां या उपभाषाएं हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में जाने तो राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव था। हालांकि राजस्थानी का उद्भव लगभग ईसा की 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही है, जो अपनी भाषाई जटिलता के स्वरूप लौकिक संस्कृत के रूप में परिवर्तित हुई। लौकिक संस्कृत में जब द्रुहता आने लगी तो उसका स्थान पाली भाषा ने ले लिया। पाली भी जब लोक से अलग होने लगी तो इसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। जैसा कि माना जाता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न रूपों में सामने आने लगे। राजस्थानी भाषा का विकास भी इसी अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें शौर्य सैनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश तथा मरु गुजरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। इन सब में मरु गुजरी अपभ्रंश का मंत्र अधिक उचित लगता है, क्योंकि मरु गुजरी अपभ्रंश में ही मूल भाषा राजस्थानी तथा गुजरी राजस्थानी भाषा का विकास यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से भी समीचीन प्राप्त प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखें तो यह ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानता है। फिर ऐसे की क्षेत्रीय बोलियां, डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है, किंतु मुख्य रूप से राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पश्चिमी राजस्थानी, जो की है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी या सेठावटी, और दूसरी है पूर्वी राजस्थानी, जो की है ढूंढाड़ी, हाड़ोती, मेवाती और अहिरवाटी या राठी। 4 भाषाएं मैं बांट सकता हूँ। राजस्थानी की प्रमुख बोलियों में सबसे पहली है मारवाड़ी। राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा और इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी का नाम दिया गया। यही कारण है कि राजस्थानी बोली में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य सृजन की अपेक्षा अधिक हुआ है। इसी कारण ही इसे कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जा रहा है। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा हुआ है।
इसलिए मारवाड़ को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया। आज इन बोलियों के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, सीमेर, पाली तथा शेखावटी का कुछ क्षेत्र इसके समृद्ध संबंध रहा। थली और गोगा वाड़ी बोलियां इसकी उप बोलियां हैं। फिर दूसरी भाषा है मेवाड़ी। राजस्थान के मेवाड़ राज्य में इसके क्षेत्र में मेवाड़ी का क्षेत्र रहा। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तथा भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जाता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वती मेवाड़ी तथा मैदानों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। फिर है ढूंढाड़ी। राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से हुआ, इस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा जाता है। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का प्रयोग है। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जा सकता है। चोरावाटी, राजावाटी, नागरचाल आदि की उप बोलियां हैं। फिर है हाड़ोती। हाड़ोती में है हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ोती बोली का क्षेत्र माना जाता है। इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर है मेवाती। मेवाती यानी कि मेव जाति का अधिक्य होने से अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा गया। इस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा जाता है। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्र को भी स्पर्श करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली का ब्रज भाषा का प्रभाव भी इससे देखा जा सकता है। फिर है वांगड़ी। राजस्थान में वांगड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को वांगड़ी का नाम दिया गया है। यह बोली झालावाड़ तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मालवा। प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश का बहुत गहरा संबंध रहा है। इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों पर मालवी बोली का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इसका अंतर करना बहुत कठिन है। इसलिए मालवी को भी राजस्थानी की भी बोली स्वीकृत किया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। रागड़ी और निम्बाड़ी उप बोलियां हैं। फिर है शेखावटी। राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावटी कहलाता है। इस क्षेत्र की बोली को शेखावटी कहा गया है। आज चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तथा गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। फिर है भीली और अन्य पहाड़ी बोली। राजस्थान के आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जन समूह आज भी पहाड़ों क्षेत्रों में रहता है, जो कि कबीला संस्कृति को लिए हुए। इस प्रकार के जनजातियों में भील, मीणा, गराजी आदि प्रमुख है। इनमें इन भीलों का क्षेत्र व्यापक है। इनकी बोलियों में भीली बोली प्रमुख है। इसके साथ साथ अन्य जनजातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में यह जातियां निवास करती हैं उन क्षेत्रों की बोलियों का भी उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उप भाषाओं बोलियों द्वारा ही होता है। इस रूप में यह भी निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। तो है राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य का इतिहास एवं परंपरा। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य हमें अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है, जिसमें शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों तथा मुहरों
साहित्य को अभिलेखित साहित्य कहा जा सकता है। यद्यपि यह सामग्री अत्यंत तो मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य पुराणी मिश्रा की विशेषता को लिए रहा, जिसे लोक साहित्य कहा गया है। यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षय भंडार रहा, जहाँ विविध विधाओं में साहित्य हमें स्रोत वर्ण परंपरा से प्राप्त रहा। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे काल दिए गए, जिसमें प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल है। ये है वीर गाथा काल, सुवीर गाथा काल कह सकते हैं, उसको भक्ति काल कह सकते हैं, संगार प्रति एवं नीति परक काल कह सकते हैं, और आधुनिक काल को विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त काल कह सकते हैं। इस काल का समय देखें तो सबसे पहला है 1050 से 1550 तक, 1450 से लेकर 1650 तक, और 1650 से लेकर 1850 तक, और 1850 से अब तक के लिए जो समय है उसको इसमें रखा गया है। फिर प्राचीन काल यानी कि वीर गाथा काल जो कि 1050 से 1550 के बीच तक, हर वर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिम दिशा से हो रहे थे। इसका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा था और यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए तथा समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सृजन किया गया। इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण ही इस काल को वीर गाथा काल का नाम दिया गया है। इस काल की महत्वपूर्ण रचना श्रीधर व्यास की रणमल छंद है। इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय रही है। पूर्व मध्य काल या भक्ति काल है जो है 1450 से लेकर 1650 ईस्वी तक। राजस्थान इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा तथा इन युद्धों में धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। संघर्षों के आधार के रूप में सामाजिक विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी। ऐसी परिस्थितियों के संघर्ष से युक्त मुक्त होने तथा परस्पर समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की और प्रवृत्त होने लगा तथा ऐसे समय में कई संतों और भक्तों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई तथा अपनी कलम से समाज के सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाते हुए सब समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों तथा भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल का नाम दिया गया। इस काल में विभिन्न संतों और इसके द्वारा प्रवर्त संप्रदायों ने लोक में अपनी गहरी पैठ बनाई और लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। ऐसे संप्रदायों में राम से नहीं दादू पंत, नाथ पंत, अखिलिया संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, जसनाथ संप्रदाय आदि प्रमुख। इन संप्रदायों के नाम स्मरण का महत्व, निर्गुण उपासना पर बल, गुरु की महत्ता पर बल देते हुए जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाने हुए कहा, अजात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि का हो। इसके साथ सुगुण भक्त कवियों ने भी अपने आराध्य देवों की वंदना एवं महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इस प्रकार की रचनाओं में भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौर की वैली किस्मत, रुक्मणी श्री माधवदास धंधवाड़िया की राम रासो, ईश्वरदास की हरिरस और देविया की नागदवणी उस क्रम की प्रमुख रचनाएं। फिर है उत्तर मध्य काल जो कि श्रृंगार रीति एवं नीति परक काल है, जो 1650 से लेकर 1850 ईस्वी 200 वर्ष का काल है। राजस्थानी साहित्य के मध्य उत्तर मध्य काल का साहित्य विभिन्न विषयों
से ही युक्त रहा। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास किया। इस काल में श्रृंगार रीति काव्य शास्त्रों तथा नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई। लोक के प्रचलित प्रेमाख्यानों को विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया। काव्य शास्त्र में संबंधित रचनाओं में कवि मंचाराम ने रघुनाथ पूरक प्रस्तुत किया तथा संबोधन परक नीति कारकों से रजिया या सौरठा चाकरिया या सौरठा भैरिया या सौरठा भैरिया का सौरठा मोतियारा सौरठा आदि रचनाएं प्रमुख। फिर आता है आधुनिक काल जो विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त था, जो कि 1850 के बाद का काल है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम संग्राम सन 1857 के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा और साहित्य की इससे अछूता नहीं रहा। और साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य के आधुनिक काल का नाम दिया गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कवि राजा बंकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रम ने किया। इनके क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई तथा इस चेतना को आगे की पीढ़ी के साहित्यकारों ने जगाए रखा, जिसका सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ। आधुनिक राजस्थानी साहित्य की गद्य और पद्य में प्रचुर साहित्यिक सामग्री का सृजन हो रहा है और इस साहित्यिक सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ तथा महत्वपूर्ण। फिर राजस्थानी गद्य एवं पद्य की विशिष्ट शैलियां, उसमें सबसे पहली है ख्यात। देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान फल सफलताओं और विशेष कार्यों आदि विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवा कर संचित किया है। इस इतिहास ख्यात यह इतिहास ख्यात कहलाता है। जैसे दयालदासरी ख्यात में बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है। मूतों नैन्सी द्वारा रचित मूतों नैन्सी की इतिहास इस परंपरा की विशिष्ट रचना। फिर है वंदन वचनिका, संस्कृत के वचन शब्द से बना वचनिका शब्द एक काव्य विधा के रूप में साहित्य के प्रचलित हुआ। वचनिका एक ऐसी तुकात्मक गद्य पद्य रचना है जिसमें अत्यानुप्रास मिलता है, यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में शिवदास गांडर कृत अचलदास फुकीरी वचनिका तथा खेड़िया जग्गा री कही राठौड़ रतन सिंध मोहनो महेश दासोत री वचन का प्रमुख है। फिर है दवावेत। दवावेत कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है किंतु दवावेत उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होती है। इसमें कथा के नायक का गुणगान राज्य वैभव युद्ध आखेट नक्षिक आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। अखमाल देवड़ी देवड़ारी दवावेत महाराणा जवान सिंहरी दवावेत राजा जय सिंहरी दवावेत आदि प्रमुख दवावेत ग्रंथ है। फिर है वात, कहानी की तरह वात कहने और सुनने की विशेष विधा है। कथा करने वाला कहना कहता चलता है और सुनने वाला हुकारा बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग जिसमें कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि ले रहा है देता रहता है। इन बातों में जीवन के हर पक्ष युद्ध धर्म दर्शन मनोरंजन व पर प्रकाश डाला गया है। गद्यमय पद्यमय तथा गद्य पद्यमय तीनों रूपों में वार्ता मिलती है। राव अमर सिंह जी री वात खींचियारी वात बाबू जी री वात कानड़ देरी वात
अचल दास खिची विवाद आदि प्रमुख बातें हैं। फिर है झमाल। झमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें पूरे पहले पूरा दोहा फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंद्र सिंह की झमाल प्रसिद्ध है। फिर है झूलना। झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगम होता है। अमर सिंह राठौड़ राज झूलना, राणा राजा गज सिंह राज झूलना, राव सुरतान देवड़े राज झूलना आदि प्रमुख झूलना रचनाएं। फिर है पर्ची। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा की में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा गया है। संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रैदास री पर्ची, संत पिपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची आदि प्रमुख पर्ची रचनाएं हैं। फिर है प्रकाश। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा जाता है। किशोर दास का प्रकाश, राज प्रकाश, हास्य मास का महायश प्रकाश, कविया प्रकाश का ग्रंथ है। मरस्या राजा या किसी प्रकार व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मरसिया काव्यों की रचना की गई है। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन किया जाता है। राणे जगपत का मरसिया, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। फिर है रास्तो। मोतीलाल मैनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ के में किसी राजा की कृति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथों में चंद्रवरदाई का रावतीवार रासो, नरसिंह नरपति नाहल का बीसल देव रासो, गिरधर आशिया का सगत रासो, दौलत विजय का खुमाण रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधराज का हमीर रासो प्रमुख है। फिर है रूपक। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। गज गुण रूपक, रूपक गोगादेव जी राज रूपक आदि प्रमुख रूपक काव्य है। फिर है विगत। विगत से किसी विषय का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, इसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा इसके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहे हैं। मोहतरण नैन्सी की मारवाड़ा परगनारी विगत में प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि, किस्त, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी प्राप्त होती है। फिर है वेली। वेली ग्रंथ वेलियां छंद से लिखे हुए हैं। इनके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। दईदास जेतावत रिवेली, रत्न रतन सी खिवावत रिवेली तथा राव रतन रिवेली प्रमुख वेली ग्रंथ हैं। वेली परंपरा की मुख्य प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई वेली किशन रुक्मणी री है। फिर है साखी। साखी ही साक्षी शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए जाने गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियां प्रसिद्ध है। फिर है सिलोका। श्लोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए ये जनसाधारण की भावनाओं को आज जन्म तक पहुंचाते हैं। राव अमर सिंह रा श्लोका, आजमा अजमाल जीरो श्लोको, राठौड़ कुशल सिंह रो श्लोको, भाटी केहर सिंह रो श्लोको आदि
प्रमुख श्लोके हैं। फिर है आधुनिक राजस्थानी साहित्य, मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास तथा बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थानी जनमानस में जिस राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था, वही आगे चलकर आधुनिक काल के अनेक कवियों की कविताओं में प्रकट हुआ। इसी के साथ हिंगलाज दान कविया और शंकरदान सामोर का भी नाम लिया जाना जरूरी है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से ही नहीं अपितु विचार से, सोच से भी होता है। जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि और यथार्थ परक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषता है। कवि उमरदास की कविताओं में संवत 1956 के अकाल में दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया है, साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया गया है। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय में सारी चेतना को जागृत किया है। केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जन कवि गणेशी लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम को हथियार बनाया। उसमें से गणेशी लाल व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने खुद आजादी की लड़ाई में भाग लिया और आजादी के बाद अपने मोह भंग को भी कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किया। दे रेवत दानचारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आम जन को जगाने का काम करती हैं। राजस्थानी के अनेक कवियों ने जन जन तक अपनी पहुंच पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों को माध्यम बनाया। एक समय था जब राजस्थानी कवि मेघराज मुगुल की सेनानी कवि सम्मेलन की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती थी। सत्य प्रकाश जोशी ने अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग ही स्थान रखते हैं। 1960 ईस्वी में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा कृष्ण दृष्टि से उल्लेखनीय है कि जहां आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरव गान करती है, वहीं जोशी अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दे, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। इसी प्रकार कन्हैयालाल सेठिया जिनके गीत धरती धोरारी को तो राजस्थान की आदर्श गीत भी कहा जा सकता है, कि रचनाओं तो गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को भी जगा दे, ऐसी क्षमता रखती है। मिंझर और लिलटास सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलम भूम, जानकारी, ओड़वा, ओड़मो, लाड़ेसर, हरावल, राजस्थानी, राजस्थली, इसरलाट, राजस्थानी, एक थेलो, दीठ, चामण, अरपंच जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित तो हो रही थी। इसके माध्यम से बहुत सारे नए कवि सामने आ रहे थे। यही वह समय है जब पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, तेज सिंह जोधा की कठे की वहगो है, कठे की वेगो है, मणिष मधुकर की सोजती गेट, पग फेरो, हरीश भादणेरी बोले सरणार्थो, बाथा में भूगोल, चंद्र प्रकाश देवल की पागी कावड़ मार्ग, अर्जुन देवचारण री रिंद रोही, मालचंद्र तिलवाड़ा तिलवाड़ी री उतरयो है आभो आदि रचनाओं ने राजस्थानी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान के अतीत को संजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियां लिखी। मांझल रात, अमोलक वार्ता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गुड़ा गढ़ा, केरे चकवा बात आदि, विजयदान देथा के अपनी बातों की फुलवारी, तेरा खंड,
श्रृंखला में राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया कि उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। विजयदान देता के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह है। इसमें दुधवा, उलझन, अलेखू हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल आदि। दुविधा नामक विजयदान देता की कृति पर तो पहली नामक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। इनकी कृति चौधराइन की चतुराई को भी बेहद पसंद किया जाता है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियां उनके संग्रहों जमारों समंदर अर्थार में संग्रहित हैं और उनके कुछ उपन्यास हूँ गोरी किण पिवरी जोग सुजोग और चांदा सेठानी आदि। इस प्रकार नथमल जोशी को कहानी संग्रह पर्ण योड़ी कुंवारी तथा उपन्यास आभे पटकी धोरारो धुरी एक बींदनी दो बींद की भी बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, अन्ना राम, सुदामा, रामेश्वर दयाल, श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा, सांवर दैया आदि प्रमुख हैं। फिर हैं साहित्यिक पत्रिकाएं। राजस्थान की साहित्यिक पत्रिकाओं का वैभवपूर्ण इतिहास रहा है। इस साहित्यिक लघु वह अनियतकालीन पत्रिकाओं ने राजस्थान के लेखन को ही गति प्रदान करने के साथ ही हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों को भी एक मंच प्रदान किया है। बीकानेर की वातायन, हरे इस भादानी, अजमेर की लहर, प्रकाश जैन, भरतपुर की और विजेंद्र कांकरोली की संबोधन, कंवर मेवाड़ी, अलवर की कविता, भागीरथ भार्गव, उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर वह स्तरीय मंच प्रदान किया। संप्रेक्षण चंद्र भाजू, भानु भारद्वाज, मधु माधवी, नलिनी उपाध्याय के साथ राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमति ने भी राजस्थान में साहित्यिक वातावरण बनाने में योगदान दिया। राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति का अकादमी, बीकानेर की जागती ज्योत के अतिरिक्त सत्य प्रकाश जोशी की हरावल, किशोर कल्पनाकांत की ओड़ियू, कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित मरुवाणी प्रमुख है। उपयुक्त रचनाएं समृद्ध राजस्थानी साहित्य का संक्षिप्त परिचय भर है। सच्चाई यह है कि राजस्थानी साहित्य का भंडार इतना विपुल है कि उसका संपूर्ण वर्णन करना किसी एक सीमा में संभव नहीं है। इसी के साथ यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।